नेक्स्ट लिखिए एक्सेलरेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, एक्सेलरेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। एक्सेलरेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट क्या क्या होता था एक्सेलरेशन, कुछ याद है? हाँ, ट्रांसवर्स और रेडियल वैल्यू में क्या क्या आती थी? डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर एक आती थी, दूसरा आती थी वन बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये दूसरी वैल्यू आती थी। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे भी आएगी, बस तीसरा एक कंपोनेंट ऐड हो जाता है। ठीक है, पहले डायग्राम देख लिया जाए। कितने डायमेंशन में स्टडी? ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये प्लेन, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई, लिख नहीं रहे हम, जगह नहीं रहती है, इसको इससे मिलाया आर, ये एन, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना कॉमन था आपका डायग्राम। एक और चीज छूट रही है, ये क्या था? एल, इतना बना लीजिए पहले। बढ़े आगे, इसका कोऑर्डिनेट रो फाइव। अच्छा, इसके पहले वाले आर्टिकल में सबसे पहले हम लोग ने किसके कंपोनेंट को डिस्कस किया था? एन के कंपोनेंट को एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि वो हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर से रिजल्ट जानते हैं। तो चाहे वेलोसिटी निकाले चाहे एक्सेलरेशन, सबसे पहला काम होगा किस पे काम करने का? एन पे। चलिए एन पे काम कराइए। अभी हमको निधि बता रही थी, हम तो जानते नहीं थे, वो कह रही थी कि अगर r थीटा होता है तो इस दिशा में कंपोनेंट होता है r डबल डॉट, मतलब रो डबल डॉट, दैट मीन्स डी टू रो अपॉन डी टी स्क्वायर r डबल डॉट माइनस r डी फाई बाई डी टी का होल स्क्वायर, ये निधि ने बताया था। ठीक है, इस डायरेक्शन में, और फिर वो कह रही थी कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इंक्रीजिंग डायरेक्शन में कंपोनेंट होता था, क्या होता था? वन बाई आर डी बाई डी टी ब्रैकेट में आर स्क्वायर थीटा डॉट, उसको रो और फाई के लिए चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा? वन बाई रो डी बाई डी टी रो स्क्वायर फाई डॉट, वही मतलब फाई डॉट। ठीक है, और इन दोनों के रिलेटिव में यहां जो मिलता है डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर। ठीक, फिर इन दोनों को कहां शिफ्ट किए थे? पी पे, और एंगल्स निकाल के क्या निकाल डाले थे? कंपोनेंट। ध्यान आया?
चलिए। ये तो किसी काम का नहीं था, ऐसे ही लिखा गया था। फिर कहते ये 90, अगर हम इसको आगे बढ़ा दें तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा, और ये एंगल कितना आ रहा था थीटा, ये पॉइंट क्या था पी। ठीक है, अभी हम लिख नहीं रहे कुछ भी, मोटा मोटी कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए लिखिए, बाद में ये सब बनाइएगा, अभी पूरा नहीं हुआ डायग्राम, अभी केवल बेसिक चीज़ समझा है इसमें। नीचे से लिखिए, लेट अस कंसीडर कैपिटल पी ब्रैकेट में आर कॉमा थीटा कॉमा फाई एज स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, एज स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। फिर लिखिए फुल स्टॉप, द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट एन, द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट एन आर ए आर ई आर, ये लिखिए पहले ब्रैकेट में, डी टू रो बाई डी टी स्क्वायर माइनस रो डी फाइव बाई डी टी का होल स्क्वायर। हो गया, अलोंग ओ एन, अलोंग ओ एन इन डायरेक्शन ऑफ रो इंक्रीजिंग। ये बात समझ में आती है ना आप लोगों के, एकदम बाउंस तो नहीं कर रही है ना। आर इंक्रीजिंग डायरेक्शन में एक होता था और एक थीटा इंक्रीजिंग डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू आर, वही दो कंसेप्ट लेके चल रहे सेकेंड ईयर वाला। तो एक आपका फाई इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होगा, दूसरा फाई के परपेंडिकुलर, लेकिन ठीक ये बढ़ना चाहिए, एंगल बढ़ना चाहिए। अगर इधर लेंगे तो एंगल छोटा होगा, इधर लेंगे तो एंगल बड़ा होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये इधर सरकेगी एंगल का मान बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ फाई इंक्रीजिंग, सॉरी रो इंक्रीजिंग। फिर लिखिए नीचे से, एंड ये 1 बाई रो डी बाई डी टी रो स्क्वायर फाई डॉट एंड 1 बाई रो डी बाई डी टी रो स्क्वायर फाई डॉट परपेंडिकुलर टू लाइन ओ एन, परपेंडिकुलर टू लाइन ओ एन इन डायरेक्शन ऑफ फाई इंक्रीजिंग, इन डायरेक्शन ऑफ फाई इंक्रीजिंग। ये किस प्लेन का मोशन हो गया, एक्स वाई प्लेन, बचा कौन जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होगा डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर अलोंग जेड इंक्रीजिंग डायरेक्शन। ठीक है, नीचे से लिखिए, देन द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पी इज डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर, डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर अलोंग डायरेक्शन एन पी, अलोंग डायरेक्शन एन पी। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे, सबको कहाँ शिफ्ट करेंगे, पी पर। नीचे से लिखिए, नीचे से लिखिए, हैंस द एक्सेलरेशन एट पी, हैंस द एक्सेलरेशन एट पी इज गिवन बाय, hence the accelerations at P is given by अब बना रहे इसकी दिशा में d2 rho
अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस रो डी फाई बाई डी टी का होल स्क्वायर। ठीक, ये किसी काम का है नहीं, वन बाई रो डी बाई डी टी रो स्क्वायर फाई डॉट। ठीक है, दो रंग के पेन से आप लोग प्लीज बनाइएगा। अब देखिए, एंगल से सटा हुआ बोलिए कॉस, ठीक है, दूसरा वाला साइन डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, एंगल से सटा हुआ कॉस, तो डी टू रो अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस रो डी फाई बाई डी टी का होल स्क्वायर, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है अभिषेक, और इसके परपेंडिकुलर मतलब ये, तो इसके अलोंग क्या होगा, डी टू रो बाई डी टी स्क्वायर माइनस रो डी फाई बाई डी टी का होल स्क्वायर कॉस साइन 90 माइनस थीटा डेट इज कॉस थीटा। ठीक है, चलिए लिखिए, अभी शिफ्टिंग लिखवा रहे हैं। इज गिवन बाई, पहला पॉइंट लिखिए, एक ऊपर है, एक कौन सा सब्सट्रैक्शन, समझ गई है, चलिए बड़े इंटेलिजेंट है। लिखिए पहला पॉइंट, लिखिए एन एसेलरेशन ये देखिए, पहला एलपी के डायरेक्शन में, दूसरा एलपी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और तीसरा डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर जेड डायरेक्शन में, तीन मिल गए, वही लिखवा रहे हैं। पहला एन एसेलरेशन, ब्रैकेट में लिखिए ये, इसके दिशा में ये है, डी टू रो बाई डी टी स्क्वायर माइनस रो डी फाई बाई डी टी का होल स्क्वायर अलोंग एल पी इन डायरेक्शन ऑफ रो इंक्रीजिंग, अलोंग एल पी इन डायरेक्शन ऑफ रो इंक्रीजिंग इन जेड पी एन प्लेन, इन जेड पी एन प्लेन। दूसरा, एन एसेलरेशन इन एसेलरेशन वन बाई रो डी बाई डी टी रो स्क्वायर फाइ डॉट, ये क्या होता है, किस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, जेड पी एन, है ना, परपेंडिकुलर टू प्लेन जेड पी एन। ठीक है ना, ये तीसरा वाला है ना, हमेशा ये गंदा वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, यही गंदा वाला बढ़ता है, ये दोनों तो जानते थे, यही गंदा सा बढ़ जाता है जिसके चक्कर में दिक्कत आती है, यही एन डायमेंशन वाला है। ठीक है, तो ये हमेशा जेड पी एन के परपेंडिकुलर होगा, फाई इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होगा हमेशा और हमेशा। ठीक है, लिखिए एन एसेलरेशन वन अपॉन रो डी बाई डी टी रो स्क्वायर फाई डॉट परपेंडिकुलर टू प्लेन जेड पी एन, परपेंडिकुलर टू प्लेन जेड पी एन इन फाई इंक्रीजिंग डायरेक्शन, इन फाई इंक्रीजिंग डायरेक्शन। तीसरा, एन एसेलरेशन डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर, एन एसेलरेशन डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर पैरलर टू जेड एक्सिस अलोंग एन पी, पैरलर टू जेड एक्सिस अलोंग एन पी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आर इंक्रीजिंग डायरेक्शन में निकालते हैं, दूसरा थीटा इंक्रीजिंग डायरेक्शन में निकालते हैं, डी आर
पहला आर थीटा फाई, इसके हिसाब से चलिए, पहला आर इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, दूसरा थीटा, थीटा इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, और तीसरा ये फाई इंक्रीजिंग में है ही, ठीक है। नीचे से लिखिए, हैंस द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, हैंस द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल अलोंग ओपी, अलोंग ओपी इज, अलोंग ओपी इज, लिखवाइए, ये है ओपी, इसके डायरेक्शन में ये है, दोनों एक ही जगह आ रहे हैं, ऐड हो जाएंगे, क्या मिलेगा, डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस डी टू रो अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस रो डी फाई बाई डी टी का होल स्क्वायर, साथ में है साइन थीटा, ठीक है। लिखिए, हाँ ये अगली लाइन में लिखिएगा ये, हाँ बोले आगे, नीचे से लिखे, एंड द एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू ओपी, एंड द एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू ओपी, देखिए परपेंडिकुलर टू ओपी इन थीटा इंक्रीजिंग डायरेक्शन, आर का हो गया, दूसरा किसका लिख रहे हैं, थीटा, इन थीटा इंक्रीजिंग डायरेक्शन इन प्लेन जेड पी एन इज, लिखवाइए भाई, देखिए ये लाइन इससे थीटा एंगल बना रही है, अगर ये ऐसे बढ़ेगी तो थीटा घटेगा, है ना अभिषेक, ऐसे बढ़ेगी तो थीटा बढ़ेगा, ऐसे गिरना है हमको, तो इस वाले में से इस वाले को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, डी टू रो बाई डी टी स्क्वायर माइनस रो डी फाई बाई डी टी का होल स्क्वायर कॉस थीटा में से डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर साइन थीटा को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट, ठीक है काजल, ठीक है भावना, लिखिए, और तीसरा फाई आर थीटा फाई, फाई इंक्रीजिंग डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू प्लेन जेड पी एन, यही होगा, है ना, लिखिए नीचे से लिखिए, एंड द एक्सेलरेशन, एंड द एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन जेड पी एन, परपेंडिकुलर टू प्लेन जेड पी एन इन फाई इंक्रीजिंग डायरेक्शन, इन फाई इंक्रीजिंग डायरेक्शन इज, इन फाई इंक्रीजिंग डायरेक्शन इज वन बाई रो डी बाई डी टी रो स्क्वायर डी फाई बाई डी टी, ठीक है। इसके बाद पीछे हम लोग ने किया था रो इज इक्वल टू आर साइन फाई, जेड इज इक्वल टू आर कॉस फाई, डिफ्रेंशिएट करके मान वगैरह रख के सॉल्व कर दिया था, ठीक है यही काम यहाँ पे भी करेंगे। डायग्राम बन गया है, अच्छा छोड़िए पहले देख लीजिए, सिंस जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड रो इज इक्वल टू आर साइन थीटा, दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए
डी रो बाई डी टी, दो दो बार निकालना पड़ेगा है ना, डी रो बाई डी टी, बोलिए क्या होगा, डी आर बाई डी टी साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी, अगेन डी टू रो बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, पहले इसको किया है, साइन थीटा प्लस डी आर बाई डी टी साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी प्लस तीन बार में होगा, आर को करेंगे तो डी आर बाई डी टी कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी, सेम टर्म आया, टू टाइम कर दे यहीं पे, अभिषेक कर दे, समझ में आया है नहीं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक दो तीन, तीन टर्म है, डी आर बाई डी टी कॉस थीटा टी थीटा बाई डी टी, सेम यही चीज़ आ गई, ऐड हो जाएगी, टू टाइम्स हो गया, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस आर कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस, यहाँ क्या आएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, और फिर डी थीटा बाई डी टी डेट इज डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, प्लस आर कॉस थीटा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट डी टू रो बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर साइन थीटा प्लस टू आर डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस आर कॉस थीटा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, इसको मान रहे हैं वन, ठीक है, एंड डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन डी आर बाई डी टी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा का साइन थीटा, साथ में क्या आएगा, आर आर साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, दिस इम्प्लाइज दैट डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर, बोलिए भाई हमको तो आता नहीं है, बोलिए डी टू जेड बाई सॉरी डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस डी आर बाई डी टी कॉस थीटा का साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है अभिषेक, फिर एक दो तीन तीन फंक्शन है, बारी बारी से करेंगे, इसको कराइए, माइनस डी आर बाई डी टी साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, इसको किए हैं, ठीक है, प्लस इसको कराइए, माइनस आर साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर माइनस आर साइन थीटा और डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, फिर देखिए ऐड वैड करके लिखा जाएगा तो आपको मिलेगा दिस इम्प्लाइज डी टू जेड अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलिए डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर कॉस थीटा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस टू साइन थीटा डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी, क्लियर, माइनस आर कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर माइनस आर साइन थीटा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत उतार लीजिए, डायग्राम भी लगे हाथ, कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर टू,
बोला नहीं है किसी को, सर हम लोग पकड़ के मार दिए, कंप्यूटर को यहाँ पे डाल देते हैं। हम तो ये भावना थी, निमेश था, अभिषेक था, हम लोग बस एक चार पाँच, अभिषेक तो देख गया था। हो गया। अब क्या किए थे उसमें, वैल्यूज़ को पुट किए थे और सॉल्व किए थे। पुट करने का सेंस ये होता है कि डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर वाले टर्म में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई, डी टू रो बाई डी टी स्क्वायर वाले टर्म में साइन थीटा का मल्टीप्लाई, रो इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये हो जाए तो बताइएगा हमको।
हो गया, आगे पढ़े अभिषेक, हो गया। उसी में ही करना है। बेटा तो डायग्राम बन गया, सबका हो गया। अब देखिए, अब हम लोग अपने एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। हाँ, चलिए देखिए, इसको अभी छोड़ दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिएगा, ठीक है भाई। ये पूरे बॉक्स में मल्टीप्लाई होगा ना, इसमें मल्टीप्लाई होकर जो टर्म आएगा वो छोड़ दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें बस कर दीजिए। तो इसका मतलब डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर में कॉस का मल्टीप्लाई करना है और इस वाले में साइन का, है ना। लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाई साइन थीटा एंड इक्वेशन टू बाई कॉस थीटा, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाई साइन थीटा एंड इक्वेशन टू बाई कॉस थीटा एंड देन एडिंग कॉमा वी गेट। चलिए देखिए, डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर में कॉस थीटा, डी टू रो बाई डी टी स्क्वायर में साइन थीटा एंड देन एडिंग वी गेट। ठीक है, कराइए। जेड वाले में कॉस का मल्टीप्लाई, तो डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी माइनस आर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर माइनस आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। क्लियर। प्लस डी टू रो बाई डी टी स्क्वायर में साइन थीटा का, बताइए डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू, यहाँ पे कुछ छूटा है क्या? नहीं, ठीक है, यहाँ आर होगा मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। चलिए अब बोलिए, टू कॉस थीटा किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन थीटा डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा कॉस थीटा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस डी टू रो बाई डी टी स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू दिस टर्म एंड दिस टर्म इज इक्वल टू डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। This both term will be cancelled with each other. If we will take minus r d theta by dt square as a common term, then this quantity must be equal to 1. And this term will also cancel with each other. ठीक है, तो इतने की वैल्यू हमको ये मिल गई, तो इतने और इतने की जगह हम ये यूज करेंगे, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर, बाकी ये टर्म ऐड कर देंगे, मतलब सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। एंड दूसरे वाले टर्म के लिए देखिए,
इसमें आप लोग इसको ड्रॉप कर दीजिएगा, बचेगा डी टू रो बाई डी टी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर साइन थीटा। तो उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन टू, मतलब डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर, सॉरी इक्वेशन वन पहले कर लीजिए, इक्वेशन वन बाई कॉस थीटा एंड इक्वेशन टू बाई साइन थीटा एंड देन क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग, खाना नहीं मिला क्या आज, एंड देन सब्सट्रैक्टिंग कॉमा वी गेट। चलिए कराइए, पहला एक्सप्रेशन आएगा आपका डी टू रो बाई डी टी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू डी टू रो बाई डी टी स्क्वायर कॉस थीटा। इस पूरे एक्सप्रेशन में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करवाइए, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी माइनस आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फिर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस आर कॉस स्क्वायर थीटा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। यह हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया, माइनस इस वाले एक्सप्रेशन में साइन का मल्टीप्लाई करना है, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी माइनस आर कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये दोनों टर्म कैंसिल, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस मिलकर के प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, टू डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी, ये टर्म कैंसिल और ये टर्म फिर मिलकर के आर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ओवरऑल आपको मिल जाएगा डी टू रो बाई डी टी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। सॉरी ये तो कैंसिल हो गया था ना, ये तो कैंसिल हो गया था, इससे मिलेगा आपको टू डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी और ये दोनों ना प्लस आर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। कोई डाउट लिखिए, थ्री दिस इज फोर, नहीं रुकिए लिखिएगा मत, मल्टीप्लाई वगैरह लिखवाए नहीं है ना अभी, लिखवा दिया है, हाँ ठीक है लिखिए तब, ऊपर से एकदम नहीं कहाँ से उतार रहे हैं, ठीक उतार। ये सब डेरिवेशन डेढ़ डेढ़ घंटे के हैं, हमको एक घंटा 17 मिनट लगा पहला वाला डिराइव कराने में, अब दूसरा ये जितने देर में आपका डिराइव हो जाए, मतलब ये सब फुल मार्क्स में आपके आते हैं डेरिवेशंस।
हो गया भाई। हो गया भाई। हो गया। इतने और इतने की जगह आपके पास आया है डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। बचा हुआ टर्म है माइनस रो साइन थीटा डी फाई बाई डी टी का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपका रेडियस वेक्टर के अलोंग एक्सेलरेशन हो गया एफ आर। थीटा डी टू रो बाई डी टी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर साइन थीटा की जगह आपके पास आया है टू डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी प्लस आर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, कौन सा टर्म बचा है माइनस रो कॉस थीटा डी फाई बाई डी टी का होल स्क्वायर। ये आपकी क्वांटिटी थीटा इंक्रीजिंग डायरेक्शन में। बचा रो फाई इंक्रीजिंग डायरेक्शन में तो आपको मिलेगा वन बाई रो। रो की जगह या रहने दीजिए रो, अभी ठीक कर देंगे, डी बाई डी टी रो स्क्वायर डी फाई बाई डी टी। ठीक है, लिखिए नीचे से, फोर्थ के नीचे से लिखिए, हैंस द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशंस, हैंस द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशंस एट पी आर ए आर ई आर। पहला पॉइंट एफ आर इज इक्वल टू ये, नहीं पहले पहला लिखिए, केवल पहला हो गया, आगे लिखिए अलोंग ओपी, अलोंग ओपी दैट इज इन डायरेक्शन ऑफ आर इंक्रीजिंग, दैट इज इन डायरेक्शन ऑफ
आर इंक्रीजिंग इन प्लेन जेड पी एन, इन प्लेन जेड पी एन. दूसरा लिखिए एफ थीटा इज इक्वल टू टू डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी माइनस सॉरी प्लस आर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर माइनस रो कॉस थीटा डी फाइव बाई डी टी का होल स्क्वायर. परपेंडिकुलर टू ओपी, परपेंडिकुलर टू ओपी इन थीटा इंक्रीजिंग डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू ओपी इन थीटा इंक्रीजिंग डायरेक्शन इन प्लेन जेड पी एन, इन प्लेन जेड पी एन. हो गया. तीसरा एफ फाई इज इक्वल टू वन बाई रो डी बाई डी टी रो स्क्वायर डी फाई बाई डी टी परपेंडिकुलर टू द प्लेन जेड पी एन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन जेड पी एन इन डायरेक्शन ऑफ फाई इंक्रीजिंग. ठीक है, नीचे से लिखिए हैंस, हैंस द कंपोनेंट्स आर डिनोटेड बाय देखिए आर डिनोटेड बाय हैंस द कंपोनेंट्स आर डिनोटेड बाय ब्लैकबोर्ड पे देखिए. चलो पहला है आपका एफ आर, इसको अल्फा से भी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर. रो की जगह पुट करते हैं आर साइन थीटा माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई बाई डी टी का होल स्क्वायर. दूसरा एफ थीटा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू, इसको लिख रहे हैं वन बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी. अभिषेक देखिए इसको एक्सपेंड करोगे आप तो यही दोनों टर्म आएगा. शॉर्ट में इसको सेकेंड ईयर में भी आप लोग यही लिखते थे, करके देख लीजिए, डिफ्रेंशिएट कराइए इसको. देखिए वन बाई आर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस टू आर डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी प्लस आर स्क्वायर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर कटेगा टू डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी प्लस आर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर. क्लियर है. रो की जगह आर साइन थीटा तो मिलेगा माइनस आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी फाई बाई डी टी का होल स्क्वायर. इज इट क्लियर. आगे बढ़े. एंड द थर्ड एक्सप्रेशन एफ फाई इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू वन बाई रो दैट इज वन बाई आर साइन थीटा साथ में आएगा डी बाई डी टी रो स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई बाई डी टी. ठीक है, अगर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन एफ मान ले तो इन तीनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा. नीचे से लिखिए देन कंपोनेंट्स डिनोटेड बाई, पहले पहला वाला पॉइंट उतारिए केवल पहला वाला.
इन द डायरेक्शन अलोंग ओपी, आगे लिखिए इन द डायरेक्शन अलोंग ओपी, इन द डायरेक्शन अलोंग ओपी, दूसरा वाला आगे लिखिए इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ओपी, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ओपी, इन प्लेन जेड पी एन, इन प्लेन जेड पी एन, तीसरा एफ फाइव इज इक्वल टू गामा, उतार लीजिए पूरा, परपेंडिकुलर टू प्लेन जेड पी एन, परपेंडिकुलर टू प्लेन जेड पी एन, इन डायरेक्शन ऑफ फाई इंक्रीजिंग, इन डायरेक्शन ऑफ फाई इंक्रीजिंग, हो गया। नीचे से लिखे हैंस द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, हेंस द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, हेंस द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, नीचे से लिखे एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ आर स्क्वायर प्लस एफ थीटा स्क्वायर प्लस एफ फाई का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। वैल्यू पुट मत करिएगा, जब न्यूमेरिकल वैल्यू तब पुट करके दिखाइएगा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट टर्न पे।